हेलो फ्रेंड्स, आज हम 44 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बॉर्डर वाला कपड़ा है कॉटन में, तो इसको हम उल्टी तरफ से फोल्ड कर लेंगे। उल्टी तरफ से हमको फोल्ड कर लेना है। तो 44 का 1/4 हमको लेना है। यहाँ पर 44 का 1/4 है 11 इंच। तो उसके बाद में हमने यहाँ पर लेंथ के लिए निशान लगाया है। 13.5 लेंथ है, तो हमने यहाँ पर 14 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि नीचे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, फोल्ड वगैरह नहीं करेंगे। नीचे हमारा बॉर्डर है और ऊपर में शोल्डर में 1/2 इंच जाएगा। तो यहाँ से हमने शोल्डर लिया है 6.5 इंच। 32 से 36 तक हम 5.5 लेंगे शोल्डर। और यहाँ 44 साइज़ है, फुल साइज़ का ब्लाउज़ है, इसलिए हमने 6.5 शोल्डर लिया। और आर्म होल भी हमने 6.5 इंच ही लिया है। और उसके बाद में चेस्ट के लिए निशान लगाया है यहाँ पर 11 इंच। उसके बाद में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और उसके बाद में हम यहाँ पर आर्म होल के लिए गोलाई देंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच की गहराई दिया है। ये बैक पार्ट है हमारा। और यहाँ पर हम गले के लिए निशान लगाएंगे। गले की विड्थ आप 2.5 इंच रख सकते हैं। और इसके बाद में गले की लेंथ आप जितना भी चाहें। तो यहाँ पर मैं 10 इंच का गला बनाऊंगी। और विड्थ यहाँ नीचे से हमको 2.5 इंच रखना है। तो इसको हम अच्छे से गोलाई दे देंगे अब। और उसके बाद में यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फुल साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग है। और अब इसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कट चुके हैं। और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये इस तरह से। और ये जो कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम आस्तीन के लिए कपड़ा जो है निकाल के रख लेंगे, मतलब कि निशान लगा लेंगे पहले से, जिससे कि कपड़ा कम नहीं पड़ेगा आस्तीन के लिए, क्योंकि हमारा फुल साइज़ का ब्लाउज़ है। तो अगर हम ज़्यादा ले लेंगे फ्रंट में, तो आस्तीन के लिए कपड़ा नहीं बचेगा। इस तरह से पहले हमको निशान लगा लेना है, कटिंग हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से हम रख के देखते हैं। यहाँ से कपड़ा पूरा बराबर है, इसलिए इधर से हम नहीं रखेंगे। हमको फ्रंट पार्ट 1 इंच ज़्यादा लेना है, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम इस तरफ से रखेंगे। अच्छे से रब कर लेंगे पहले तो कपड़े को। उसके बाद में यहाँ से हम रख रहे हैं, तो 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा बच जा रहा है निशान के बाद में। 1 इंच बच जा रहा है, क्योंकि हम प्लेट बनाते हैं फ्रंट पार्ट में, इसलिए कपड़ा सिमट जाता है, मतलब कि कम पड़ जाता है कपड़ा। तो इस तरह से हम इंची टेप की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पर 15 इंच लेंथ है, टोटल 13 इंच है फ्रंट पार्ट हमारा। तो यहाँ पर इस तरह से हमको यहाँ पर 1 इंच प्लस करके लेना है। यहाँ पर हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, फ्रंट पार्ट है ये हमारा। अब इसको हम हटा लेंगे। और अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर गले की विड्थ हमको 2.5 इंच लेना है। हम गले में निशान लगा लेंगे सबसे पहले। 6 इंच का गला हम रखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम गले को भी काट के अलग कर लेंगे। उसके बाद में ये जो बीच में जॉइंट है, इसको भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी काज पट्टी और बटन पट्टी बनती है। और यहाँ पर हम 4 डॉट के लिए निशान लगाएंगे। पहला निशान 3.5 पर, और उसके बाद में ये डॉट हमारी 2 इंच की होगी। और यहाँ नीचे साइड में हमें निशान लगाना है 4.25 पर। उसके बाद में यहाँ पर हम 4.25 इंच ले रहे हैं। इधर से हमको 2 इंच लेना है। और इस साइड में भी हम 2 इंच, या यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे।
और इस तरह से मिला देंगे आर्म होल की तरफ। और यहाँ भी हमको निशान लगाना है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से 2 इंच में निशान लगा करके उसके बाद में मिला देंगे। तो ये हमारे 4 डॉट हो गए। और उसके बाद में तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहले तो जोड़ लगा करके सिलाई कर लेंगे, उसके बाद में ही आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप सिलाई का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो हम सिलाई का वीडियो भी बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।